अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टेक्स्ट इज द बेस्ट वे टू गिव इंफॉर्मेशन योर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम फोर सिंपल फास्ट एंड इजी टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करना सीखेंगे फ्री विदाउट एनी प्लगइन्स। अगर आप कोई वीडियो बनाते हैं तो एनिमेशन ऑन टेक्स्ट कैन मेक योर वीडियोस मोर सिनेमेटिक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड इस चैनल पर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट इफेक्ट है स्ट्रोब इफेक्ट। ये बहुत इजी इफेक्ट है जिसे आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे क्रिएट करने के लिए अपने टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं। टाइप टूल सेट करेंगे और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ विंडोज़ में जाकर एसेंशियल ग्राफिक पैनल को ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज कर लेंगे। यहाँ पर फॉन्ट जो मैं यूज़ करूँगा वो एक्सो बोल्ड, और यहाँ से टेक्स्ट ट्रेसिंग को 500 पे रख लेंगे। और इसे सेंटर लाइन कर लेते हैं। अब एसेंशियल ग्राफिक पैनल को क्लोज करके टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल पैनल में आकर स्केल पर टॉगल एनिमेशन ऑन कर लेंगे। प्ले हेड को स्टार्टिंग पॉइंट पर ही रखना है और कुछ की फ्रेम फॉरवर्ड जाकर इसकी वैल्यू को 110 कर लेते हैं और इसकी फ्रेम को एंड पॉइंट पे ले आएंगे। अब कीबोर्ड से सी प्रेस करके रेजर टूल सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी टेक्स्ट वाली लेयर पर कट लगा लेंगे। और इन बिटवीन सेक्शन को डिलीट कर लेंगे। अब प्ले करके देखते हैं। तो इस इफेक्ट के साथ आप बीट वाला साउंड लगाएंगे, बीट के साथ इसको एडजस्ट करेंगे तो बीट के साथ ही ये आपका टेक्स्ट जो है ये ब्लिंक करेगा। तो अब चलते हैं अपने सेकंड इफेक्ट की तरफ, वो है ग्लिच इफेक्ट। तो ग्लिच इफेक्ट क्रिएट करने के लिए अपने टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं। अब विंडो में जाकर दोबारा एसेंशियल ग्राफिक पैनल को ओपन कर लेंगे अपनी टेक्स्ट को कस्टमाइज करने के लिए। तो एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम फॉन्ट यूज करेंगे वह सोनिक XBD। इसके साइज को कुछ बड़ा कर लेते हैं और सेंट्रल लाइन कर लेंगे। अब इस पैनल को क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद इफेक्ट में जाकर ब्लॉक डिजॉल्व सर्च कर लेंगे। ब्लॉक डिजॉल्व सर्च करके इसे अपनी टेक्स्चर लेयर पर ड्रैग कर लेंगे। अब इफेक्ट कंट्रोल में आकर ब्लॉक डिजॉल्व इफेक्ट में आएंगे। यहाँ पर ब्लॉक विड्थ को 100 कर लेंगे और ब्लॉक हाइट को भी 100 पे कर लेंगे। ट्रांजिशन कंप्लीशन को 100 कर लेंगे और यहाँ पर टॉगल एनिमेशन ऑन कर लेंगे। अब 10 फ्रेम फॉरवर्ड जाकर ट्रांजिशन कंप्लीशन की वैल्यू को 12-0 कर देंगे। तो इससे ये इस तरह का ब्लॉक इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब पहले फ्रेम में जाकर इफेक्ट में जाकर VR डिजिटल ग्लिच सर्च कर लेंगे और इसे भी टेक्सचर लेयर पर ड्रैग कर लेते हैं। तो इफेक्ट कंट्रोल में आकर VR डिजिटल ग्लिच इफेक्ट में आकर मास्टर एम्पलीट्यूड पर टॉगल एनिमेशन ऑन कर लेंगे। अब 10 फ्रेम फॉरवर्ड जाकर इसकी वैल्यू को 0 कर लेंगे। इस तरह से हमारा इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके एंड में भी हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए इफेक्ट कंट्रोल में जाकर
अपने हेडबैंड में ले जाएंगे। अब यहाँ पर मास्टर एम्पलीट्यूड पर भी की फ्रेम ऐड कर लेंगे और ट्रांजिशन कम्प्लीशन पर भी की फ्रेम ऐड कर लेंगे। अब 10 फ्रेम फॉरवर्ड जाकर मास्टर एम्पलीट्यूड की वैल्यू को 100 कर लेंगे और ट्रांजिशन कम्प्लीशन की वैल्यू को भी 100 कर लेंगे। तो ये हमारी एंड में भी एनिमेशन क्रिएट हो गई। इस पर आप कोई भी ग्लिच साउंड इफेक्ट भी लगा लें, इससे आपका इफेक्ट और अच्छा लगेगा। इसे फाइनल प्ले करके देखते हैं। तो इस इफेक्ट की आप ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इन की फ्रेम से। इनको करीब करने से इसकी ड्यूरेशन कम होगी और दूर करने से ज़्यादा हो जाएगी। इसको क्लोज करके देखें, इस तरह से होगा। अगर इसको दूर कर लेते हैं तो ये इस तरह से होगा। इस तरह से हमारा दूसरा इफेक्ट भी क्रिएट हो गया। तो अब हमारा तीसरा इफेक्ट है ब्लर इफेक्ट। तो देखते हैं ये कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं, इसे भी सेंट्रल लाइन कर लेंगे। यहाँ से सेंसिल ग्राफिक में जाकर पैनल को क्लोज करें और इसके बाद इफेक्ट में आकर सर्च कर लेते हैं वी आर स्फेरिकल ब्लर। और इसे अपनी टेक्स्ट वाले लेयर पर ड्रैग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी अब टेक्स्ट आ रही है स्पिन ब्लर में। तो हमने इसे स्टेट ब्लर करना है, उसके लिए इफेक्ट कंट्रोल में जाकर यहाँ पर आकर हमने पॉइंट ऑफ स्टार्ट पर इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, जिससे हमारे ये टेक्स्ट जो है स्टेट में आ जाए, ब्लर जो है इस तरह स्टेट में आ जाए। इस तरह से हमारी एनिमेशन क्रिएट हो गई। अब इसे हम अपनी टेक्सचर लेयर के एंड में लगा लेते हैं और यहाँ से इसकी पॉइंट ऑफ स्टार्ट की वैल्यू को चेंज करने कर लेंगे, ताकि हमारा ब्लर जो है स्टेट में आ जाए। इसकी वैल्यू को यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ये इस तरह से हमारा इफेक्ट क्रिएट हो गया। ये भी हमारा फोर्थ इफेक्ट है बैरल इफेक्ट। तो इसे क्रिएट करना भी बहुत इजी है। तो इसे क्रिएट करने के लिए पहले अपने टेक्स्ट को टाइप कर लेंगे, इसकी सेटिंग सारी मुकम्मल करके, फॉन्ट वगैरह इसके अपने साइज वगैरह सेटिंग करके इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर बेसिक 3D सर्च कर लेंगे और इसे अपने टेक्स्ट वाले लेयर पर ड्रैग कर लेते हैं। इसके बाद इफेक्ट कंट्रोल में जाकर टिल्ट पर जाकर टॉगल एनिमेशन ऑन कर लेनी है और कुछ की फ्रेम फॉरवर्ड जाकर टिल्ट की वैल्यू को 5x कर लेंगे। और इन की फ्रेम्स को ईज इन और ईज आउट कर लेंगे स्मूथ एनिमेशन के लिए। अब यहाँ से ओपन करेंगे और इस ग्राफ को साइड की तरफ ड्रैग कर लेंगे, इससे हमारा इफेक्ट और स्मूथ हो जाएगा, जिससे स्टार्टिंग में रोटेशन फास्ट और एंड में स्लो हो जाएगी। अब इस पर ब्लर ऐड करना है तो इफेक्ट में जाकर डायरेक्शनल ब्लर सर्च कर लेते हैं और इसे भी टेक्स्ट वाले लेयर पर ड्रैग कर लेंगे और इफेक्ट में जाकर ब्लर लेंथ पर डबल एनिमेशन ऑन कर लेंगे और प्ले हेड को स्टार्ट पॉइंट में रखकर इसकी वैल्यू को 50 पे कर लेते हैं, जिससे स्टार्टिंग में ब्लर ऐड हो जाएगा। इसके बाद ओपेसिटी में जाकर टॉगल एनिमेशन ऑन कर लेनी है और इसकी वैल्यू को 0 कर लेना है और कुछ फ्रेम फॉरवर्ड जाकर इसकी वैल्यू को वापस रीसेट 100 पे कर लेना है। तो अब इसे प्ले करके देखते हैं। इस तरह से हमारा इफेक्ट क्रिएट हो गया। इसको आप फास्ट और स्लो भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से हमारा इफेक्ट भी क्रिएट हो गया स्मूथ ब्लर इफेक्ट।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।